नमस्कार सभी को, राम राम। मेरे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं दीक्षा शर्मा जी। दीक्षा जी हमारे जम्मू की बेटी हैं और रहने वाली हैं भगवती नगर की, और इन्होंने जम्मू का नाम रोशन किया है तीन तीन अवार्ड्स लेकर। मेरे साथ ये जो आप तीन अवार्ड्स देख रहे हैं, ये तीनों अवार्ड्स इन्हीं को मिले हैं जो लखनऊ में एक इवेंट हुआ है। इस इवेंट के बारे में, इन अवार्ड्स के बारे में और कितनी मेहनत की इन्होंने इस बारे में दीक्षा जी से हम बात करते हैं। दीक्षा जी, इस पूरे इवेंट के बारे में बताइए जहाँ पर आप गए थे और ये तीन अवार्ड्स जम्मू के लिए जो आप जीत के लाए हैं। जी भैया, मैं एक ब्यूटी पेजेंट में गई थी जो ड्रीम प्रोडक्शन हाउस की तरफ से था, बाय शरद चौधरी, और ये इसके जम्मू में ऑडिशंस हुए थे। मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था और ये लखनऊ में हुआ अभी रिसेंटली 9 अक्टूबर को JBR में, द ग्रैंड JBR में। और ये ब्यूटी पेजेंट है, मैं इसमें फाइनलिस्ट थी और मुझे अब तीन सब टाइटल्स मिले हैं इसमें। एक मोस्ट अट्रैक्टिव आईज, मिसेस ब्यूटीफुल स्किन और मिसेस ब्यूटीफुल हेयर का। ओके, और कितने लोग थे वहाँ पर जो आपका ये पूरा कंपटीशन? जब टोटल मतलब जो स्ट्रेंथ थी वो 125 लोगों की थी, जिसमें मिस भी थी, मिस्टर भी थे और मिसेस भी थी। पर जम्मू से मिस्टर बहुत सारे थे, पर मिस और मिसेस में कोई भी नहीं था। अच्छा, तो वो आप ही थे। हाँ जी। मैम एक चीज़ और बताइए कि जो आपका वहाँ पर इंट्रो राउंड होता है और आपको कुछ कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से डांस करें, सिंगिंग करें, तो आपने वहाँ पर कुछ ऐसा जो कि जम्मू का कल्चर, डोगरा कल्चर आपने बताया हो सब लोगों के सामने? जी भैया, मैंने डांस परफॉर्म करा था और मैंने यहीं का जो डोगरी डांस है वो परफॉर्म किया था। एंड द जजेस वर वेरी एक्साइटेड कि ये डोगरी कल्चर मतलब उनके लिए बहुत नई बात थी, या डोगरी लैंग्वेज भी जब किसी ने मेरे मुंह से सुन रहे थे कोई, तो वो बहुत वो हो रहे थे कि ये कैसी लैंग्वेज है, या हमने सुनी नहीं है, या कहाँ की लैंग्वेज है, थोड़ी सी पंजाबी से सिमिलर सी है। तो वही एक्साइटमेंट होती है लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में जानने की। तो मैम कितनी मेहनत करनी पड़ी इन अवार्ड्स के लिए और कैसा रहा वहाँ पे कंपटीशन, कितना था वहाँ पे? भैया बहुत ज़्यादा कंपटीशन था इसके लिए। मतलब मैंने तो योगा, जिम करो, मतलब वॉक करो, फिर इंट्रोडक्शन राउंड के लिए प्रिपरेशन करो, बाकी कुछ चीज़ें तो वो वहीं वहाँ ग्रूमिंग सेशंस होते हैं वहाँ पे ही सिखा देते हैं, पर फिर भी आपको कुछ तो करके जाना ही पड़ता है ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आपको सेमीफाइनल्स तक पहुँचने के लिए ही पहले वो करना पड़ता है। ओके, तो जब ऑडिशन दिया था तो तब इतना था कि टाइटल जीतेंगे आप? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं था। मेरी मम्मा ने मुझे फोर्स करा था कि तुम कर सकती हो, कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को कहाँ ही सेलेक्ट करेंगे, पर फिर हो गया। तो अब फर्दर क्या सोचा, आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसी इंडस्ट्री में मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए या शूट्स मिल जाए, मॉडलिंग शूट्स, क्योंकि इन्हीं कंपनी की तरफ से हमें ऑफर्स आ जाते हैं यूजुअली, तो अगर उनको फेस पसंद आ जाए। अब तीन तीन अवार्ड दिए हैं तो आई होप मुझे काम मिल ही जाएगा। ओके, जम्मू जैसे शहर के लिए मतलब इतने अवार्ड्स जीतना कितनी खुशी की बात है, और परिवार के लिए कितनी खुश, कितना फैमिली कितने खुश हुए, और क्या बचपन से सोचा था इस इंडस्ट्री में जाएंगे, कभी फैमिली में बात करते होंगे? हाँ भैया, पहले सोचा था। पापा को ना मैं हमेशा बचपन में बोलती थी कि मुझे मिस जम्मू बनना है या मुझे इस फील्ड में जाना है, तो वो हंसी हंसी में बोल देते थे कि हाँ चल चली जाना जब बड़ी होगी, पर ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। अब जाके कॉलेज के बाद और ये सब के बाद मिला, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो फिर उसको मिस नहीं करना चाहिए, तो मैंने भी नहीं की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप दीक्षा जी हैं जिन्होंने तीन तीन टाइटल जीते हैं, लखनऊ में ये इवेंट हुआ है, ये तीनों टाइटल्स हैं। हमारे जम्मू की बेटी हैं जिन्होंने जम्मू के लिए ये एक नाम रोशन किया है, भगवती नगर के रहने वाले हैं, और अच्छा है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे जम्मू के लोग बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। आप लोग भी इस इंडस्ट्री में जाना चाहें तो आप भी कोशिश कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।